लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करते हैं। डॉन अबू सलेम को 3 साल की सजा सुनाई गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, डॉन अबू सलेम को 3 साल की सजा सुनाई गई है। अबू सलेम पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अबू सलेम पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। लखनऊ की CBI स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। फौजी कागजातों से पासपोर्ट बंटवाने के मामले में ये सजा सुनाई गई है। अबू सलेम के साथी परवेज को भी 3 साल की सजा, परवेज पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई से जुड़ा था अबू सलेम। 1993 में अबू सलेम ने फौजी कागज से पासपोर्ट बनवाया था। अकील अहमद आजमी के नाम से पासपोर्ट बनवाया था। CBI ने धारा 471 में चार्जशीट दाखिल की थी। CBI ने पासपोर्ट एक्ट में भी चार्जशीट दाखिल की थी। सपा का राज्य और राष्ट्रीय अधिवेशन पासपोर्ट मामले में होगा, जिसको ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी दमखम से सपा। अबू सलेम ने फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बैठक जो है वो जारी है। कई अहम प्रस्तावों पर लगाया गया है। लखनऊ के स्पेशल CBI कोर्ट ने सजा सुनाई है। फर्जी कागजातों से पासपोर्ट बनवाने का मामला, साथ ही परवेज को भी 3 साल की सजा सुनाई है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अनूप ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनूप, क्या जानकारी सामने आ रही है? ये जो ऐतिहासिक बनाने की सजा अबू सलेम और उनके साथी को जो है वो सुनाई गई है। इस बार सपा का अधिवेशन कई दिन के लिए पूरी माफिया डॉन अबू सलेम को 3 साल की जो सजा है वो कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। इसके अलावा 10,000 का जो जुर्माना है वो भी लगाया गया है। CBI की स्पेशल कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। फर्जी कागजात के जरिए जो है पासपोर्ट बनवाने के मामले में जो है लगातार अबू सलेम को लेकर के जो है कोर्ट सुनवाई कर रही थी। आज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है अबू सलेम जो है वो भी जुड़ा हुआ था। और पूरी सुनवाई के बाद जो है ये सजा जो है वो कोर्ट ने सुनाई है। 1993 में अबू सलेम ने फर्जी कागजातों से जो है पासपोर्ट बनवाया था। ये ऐसा आरोप जो है अबू सलेम के ऊपर था। उसके बाद जो अकील अहमद आजमी जो है उसके ऊपर भी ये पासपोर्ट जो है फर्जी तरीके से बनवाने का आरोप था। तो लिहाजा दोनों को जो है सजा सुनाई गई है। अगर हम बात करें तो अबू सलेम को 3 साल की सजा है, 14,000 रुपये का जुर्माना है। साथ ही अगर हम परवेज की बात करें तो इसके ऊपर जो है 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उसको भी 3 साल की सजा सुनाई गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम जानकारी के लिए।